हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट पे। मैं मनोज रावल आज आपको पढ़ाऊंगा 28 और 29 जनवरी 2019 का करंट अफेयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय। अभी हाल ही में घोषित हुआ है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय हो गया है गन्ने का रस। ठीक है, अब अगला है हमारा केरल में प्रवासी लाभांश योजना शुरू की। ठीक है, कौन सी? प्रवासी लाभांश योजना। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। ठीक है, केरल ने स्टार्ट की थी प्रवासी लाभांश योजना, पेंशन योजना, और इसने करी है मध्य प्रदेश से करी है युवा स्वाभिमान योजना। ठीक है, इस बार 2019 के जो पुरस्कार दिए गए हैं, भारत रत्न पुरस्कार जो दिए गए हैं, पहला दिया गया है प्रणब मुखर्जी को। ठीक है, अगला दिया गया है भूपेन हजारिका को, और तीसरा जो दिया गया है नानाजी देशमुख को। ठीक है, ये तो लास्ट के जो हैं भूपेन और नानाजी देशमुख, ये मरणोपरांत दिए गए हैं। ठीक है, अगला है नारी शक्ति को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी वर्ड फॉन्ट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। क्लियर। अगला है असम राइफल्स ने परेड में 26 जनवरी की परेड में 26 जनवरी की परेड में नारी शक्ति का प्रदर्शन कर इतिहास रचा। ठीक है, अगला है रोशनी ऐप दृष्टि बाधितों को नोट्स की पहचान में मदद करती है। ठीक है, जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं उनके लिए भारत सरकार द्वारा एक ऐप स्टार्ट करी गई है जिसका नाम है रोशनी ऐप। ठीक है, इसका नाम है रोशनी। तो इससे क्या होगा, ये भी डिफाइन करेगी 500 के नोट्स कौन से हैं, 1000 के कौन से हैं, 2000 के कौन से, उनमें भी ये बताएगी कि लीगल कौन सा है, इलीगल कौन सा है। ठीक है, तो ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। अगला है, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है ये एक तो ये, ठीक है, और तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहते हैं। ठीक है, और एक आगे आएगा ये स्वदेशी वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ऑस्कर विजेता फ्रांसीसी संगीतकार मिशेल लैंग्रेड का निधन हो गया है। ठीक है, इनको तीन ऑस्कर अवार्ड मिले थे। इनको मिला था 1969 में मिला था द विंडमिल्स ऑफ योर माइंड्स। ठीक है, और 1972 में मिला था समर ऑफ 42। ठीक है, और 1984 में मिला था येंटल के लिए मिला था। ये संगीतकार थे, इनके गाने थे। ठीक है, अगला है भारत की सबसे तेज स्वदेश ट्रेन। ठीक है, स्वदेश ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया। ये भारत द्वारा स्वदेश निर्मित है, पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है। ठीक है, ये चलेगी तुम्हारी, चलेगी दिल्ली से वाराणसी, और चलेगी 8 घंटे में। ये 8 घंटे में ये आपका सफर पूरा तय कर देगी। ठीक है, इस ट्रेन का जो पुराना नाम था ट्रेन 18 था। ठीक है, इसका नाम था पुराना ट्रेन 18। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी ने कोचिन रिफाइनरी प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट? कोचिन रिफाइनरी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो आज का हमारा करंट यही समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि अभी जो तुम्हारा लोअर पीसीएस आने वाला है। ठीक है, तो आज हम जो है 1 फरवरी से उसके हिसाब से वीडियो डालने स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों पे पहुंचे। तो हम सबसे पहले जो यूपीपीसीएस का सिलेबस डिस्कस करते हैं कल, और उसके बाद जो क्या टॉपिक उठाएंगे पहले वो डिस्कस करते हैं, और धीरे धीरे फिर हम 1 फरवरी से अपनी 1 या 2 फरवरी से अपनी वीडियो डालने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं सारा कुछ कवर करा दूंगा आपका, जो लोअर पीसीएस का होगा कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं, मैथ वगैरह कुछ नहीं छूटने वाला आपका। तो प्लीज अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप इधर उधर ना जाके, ना कोई इधर उधर बुक्स पढ़ के, अगर केवल आप मेरा चैनल भी फॉलो करना चाहते हो, चैनल से मेरी वीडियो देख के ही तैयारी करना चाहते हो, तो आपका गारंटेड एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो भी बंदा देखे, इस वीडियो को पहले पूरी देखे, और देखने के बाद इसको अधिक से अधिक कम से कम दो लोगों से सब्सक्राइब करा दे, और अधिक से अधिक शेयर कर दे। ठीक है, जितने भी स्टडी ग्रुप है कुछ भी नहीं छूटने वाला लोअर पीसीएस, समझो लोअर पीसीएस इस बार आप अचीव कर ही लोगे अगर आप मेरे चैनल पर कंटिन्यू रहते हो तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।